क्या आप भी मेरी तरह टॉपर बनना चाहते हो? तो वेट किस बात का, अब भी जाओ इंस्टॉल करो स्टडी बडी क्लब ऐप को प्ले स्टोर से, फ्री एंड पेड कोर्सेज को अटेंड करो एंड बन जाओ मेरी तरह एक स्मार्ट स्टूडेंट। स्टडी बडी क्लब, पढ़ाई को बनाए आसान। काफी सारे स्टूडेंट्स के नए सेमेस्टर नए स्टैंडर्ड की पढ़ाई शुरू हो चुकी होगी और लगभग हर स्टूडेंट चाहता है कि अब इस बार मैं अपने नए स्टैंडर्ड में जिस स्टैंडर्ड के लिए मैं पढ़ाई करने जा रहा हूं उसमें मैं डेफिनेटली टॉप करूंगा या बहुत बेहतरीन मार्क्स लेके आऊंगा। तो उनके लिए आज का ये वीडियो जो चाहते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में या नेक्स्ट स्टैंडर्ड में बहुत अच्छा स्कोर करना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं बहुत अमेजिंग बातें जिसकी मदद से डेफिनेटली आप अपने नए सेमेस्टर में या नए स्टैंडर्ड में या नई जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हो उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकोगे और आप अपने क्लास में टॉप भी कर सकते हो, इवन आप बहुत एवरेज स्कोर कर रहे हो अभी तक। सो लेट्स बिगिन एंड बात करते हैं कि कैसे आप अपने नए सेमेस्टर में नए स्टैंडर्ड में टॉप कर सकते हो। फर्स्ट वन इज यू ऑल आर सेम। यस, आज से मतलब अभी से जब से अपना नया स्टैंडर्ड शुरू हुआ है तब से लेके आप और आपके क्लास का टॉपर या आपके क्लास में जिसके सबसे लोएस्ट मार्क्स आए थे लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट स्टैंडर्ड में वो सभी लोग आज आप सेम पे हो। यस, यानी कि आज से आपकी एक नई रेस शुरू होने जा रही है। आपके क्लास का टॉपर भी, आप भी और आपके क्लास का ऐसा पर्सन जिसका सबसे लोएस्ट मार्क्स आए थे, आज से देखा जाएगा कि नए स्टैंडर्ड में आप कितना अच्छी तरीके से भागते हो। यानी कि आज सब लोग जीरो पे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे खड़े हो। तो आज से आपको सोचना है कि अगर मैं इसमें सही से भागा और अच्छी तरीके से मेहनत की तो डेफिनेटली मैं टॉप कर सकता हूं। क्योंकि यहां पे आपके क्लास का जो टॉपर है ना उसको भी नई चीजें सीखनी है, आपको भी नई चीजें सीखनी है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसमें चेंजेस लाना चाहते हो। अगर यस, तो आज से ही आपको फोकस करना है, इन पढ़ाई के लिए थोड़ा सा मैच्योर होने की जरूरत है। एंड डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप मेरे को वादा करते हो कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे। अगर यस, तो कमेंट करके बताइए कि हाँ सर, हम आपको वादा कर रहे हैं। नाउ सेकेंड थिंग इज स्टार्ट अर्ली। यस, देखो रेस आपकी ना सबकी एक लाइन से शुरू हो रही है, बट जो जितना तेजी से और जो जितना जल्दी भागेगा वो सबसे आगे निकलेगा। आपके पास चांस है कि लोग अपनी पढ़ाई शुरू करें, ठीक है, उसके पहले आप शुरू कर दो। और अगर लोगों ने कर दी है तो थोड़ी स्पीड से कर दो अपनी पढ़ाई। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि डेली आप 6-6 घंटे 8-8 घंटे पढ़ाई करिए। यार आप आराम से 2-3 घंटे भी पढ़ाई शुरू कर दोगे ना तो आप काफी आगे निकल जाओगे लोगों से। तो ये चीज आपको जरूर से ध्यान में रखनी है कि अगर आपको इस रेस में जीतना है आप सभी एक ही लाइन पे हो, स्टार्ट अर्ली एंड हो सके तो थोड़ी स्पीड भी अपनी मेंटेन रखना। ये दो चीजें आपको जरूर से ध्यान में रखनी है अगर आपको अपने नए सेमेस्टर में ज्यादा स्कोर करना है या फिर टॉप करना है। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा एंड दैट इज मेक डेली रीडिंग हैबिट। यस, मेरी पॉजिटिव आर्मी डेली रीडिंग हैबिट आपको बनानी बहुत जरूरी है। यहां पर मैं सिर्फ क्लासेस की बात नहीं कर रहा। काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो सोच रहे होंगे कि सर हमारे लेक्चर्स चालू है, डेली 2 घंटे के लेक्चर्स अटेंड करते हैं, 3 घंटे के लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं। बेटा यहाँ पे मैं क्लासेस की बात नहीं कर रहा, डेली रीडिंग हैबिट की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि सेल्फ स्टडी। आप जितनी भी चीजें क्लास में पढ़ाई करके आते हो उसको डेली पढ़ाई कर लीजिए, हो सके तो उसका रिविजन भी करते रहिए बीच बीच में। एंड इसके साथ साथ अगर आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिल जाता है कोई टेस्ट सीरीज या कोई भी चीज उस चैप्टर की तो डेफिनेटली उसे भी आप अटेंड करिए। ये सब चीजें आपको काफी आगे ले जाएगी कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स जो अभी एंजॉय कर रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एंजॉय नहीं करना, डेफिनेटली भैया एंजॉय तो करना है, बट अगर आप सिर्फ 2-3 घंटे अपने सेल्फ स्टडी के लिए निकालते जाओगे तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड डेफिनेटली यू कैन टॉप इन योर क्लास, आप टॉपर भी बन सकते हो। यस, मेरी पॉजिटिव आर्मी, ये 3 चीजें आप जरूर से ध्यान में रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट करें इस वीडियो में कि आपको और क्या हेल्प चाहिए मेरे से, मैं आपके लिए जरूर से वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।